वेलकम टू नाइन्थ क्लास। आज हम लोग क्षितिज भाग एक से काव्यखंड पाठ 11 पढ़ेंगे, रसखान जी की सभी है। पहले कुछ भाग पढ़ चुके हैं, लास्ट भाग है फूल। काननी दे अंगूरी रही बो जब मुरली धुन मंद बजेंगे, काननी दे अंगूरी रही बो जब मुरली धुन मंद बजेंगे, मोहिनी कानने सुर से खानी आटा चढ़ी गोधन गई है तो गए है, मोहिनी कानने सुर से खानी आटा चढ़ी गोधन गई है तो गए है, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगीन कल ही काऊ कितनो समझेंगे, टेरी कहो सिगरी ब्रज लोगीन कल ही काऊ कितनो समझेंगे, मायरी वा मुखे की मुस्कानी समरी न जइहे न जइहे न जइहे, मायरी वा मुखे की मुस्कानी समरी न जइहे न जइहे न जइहे। पहले इसका अर्थ एक बार समझेंगे। कानिन का अर्थ होता है शब्दार्थ कान, अंगुरी का अर्थ है अंगुरी, रहीबो का अर्थ है रहूंगी, मुरली का अर्थ है कृष्ण भगवान, धुनी यानी मीठी मीठी आवाज मंद धीरे धीरे, बजहिया का अर्थ है बजाना, आटा चढ़ी का अर्थ है अटारी पर चढ़ना, काऊ का अर्थ है कोई, कल ही का अर्थ है कल, समझिया का अर्थ है समझाना, संभारी न जाइए माने संभलेगा नहीं, इसका अर्थ समझेंगे। यानी इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां कृष्ण भगवान को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। वो बोल रही है कि जब कृष्ण भगवान बंसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली दे लूंगी, मुझे सुनाई नहीं देगा, और जब वो गाएंगे तो उनकी आवाज़ सुनकर गाय उनकी अटारी पर चढ़ जाएगी उनकी गाना सुनने के लिए। लेकिन ब्रज की लोग कितना भी समझाएंगे तो हम लोग नहीं समझेंगे, लेकिन जब कृष्ण भगवान इतनी मधुर तान छोड़ेंगे बजाएंगे तो मुस्कान संभलेगा नहीं। अर्थ समझते एक बार इसे, प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। वे कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी तो उसमें मगन होकर हो सकता है गाय भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे, लेकिन गोपियां अपने कानों पर अंगुली रख लेंगी ताकि उन्हें वो मधुर संगीत सुनाई न पड़े, लेकिन गोपियों को ये भी डर है और ब्रजवासी भी कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी टेर सुनकर गोपियां के मुख का मुस्कान संभले नहीं संभलेगी, उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हुई है। थैंक यू। आप लोग इसका ये सबे के साथ साथ इसका अर्थ भी याद करेंगे। थैंक यू। ओके।